हेलो 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 एंड वेलकम टू एफटी पॉड। बहुत दिनों के बाद हमें टाइम मिला है एफटी पॉड करने के लिए, क्योंकि करना ही पड़ा, क्योंकि यार बहुत दिनों से एक पर्टिकुलर मैसेज आता है और बहुत लोगों से आता है, वो ये है कि आपने आपकी वेडिंग की प्रिपरेशन कहाँ से की, कहाँ से कपड़े खरीदे, कैसा वेडिंग हुआ, कहाँ पे आपने लोकेशन चूज़ किया, कैसा था, ये था, वो था, और बहुत सारे क्वेश्चंस। कपड़े कहाँ से लिए, ये सबसे ज़्यादा बड़ा वाला क्वेश्चन था। फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है कि मेकअप कहाँ से किया, वीडियोग्राफर कौन था, फोटोग्राफर कौन था। तो ये सब कुछ के लिए हमने सोचा कि चलो यार एक 5 मिनट का मस्त पॉडकास्ट ही कर देते हैं, सब कुछ रिवील करेंगे। अभी शांत बैठ के सुनिए अच्छे से, और जिन जिन लोगों को ये क्यूरियोसिटी थी, बिकॉज आई थिंक वो वीडियो भी क्वाइट गॉट वायरल, एंड देन वो फोटो भी हमारा शादी का बहुत वायरल हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया तक पहुँच गया। हियर वी गो। When did Pranit propose you for the wedding? I never proposed. Yeah, actually, इतना कष्ट करता हूँ मैं कि actually by law and by technically, like उसने ही propose करना चाहिए था, लेकिन उसने भी नहीं किया। So what? ये भी बहुत funny story है। Please बताओ कैसे start हुआ हमारे wedding के लिए। I have a elder brother. मुझे लगा ठीक है भाई कि होने देते हैं शादी, लेकिन वो कुछ plan नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही मैंने मजाक में एक दिन I said like सेट टू माई मॉम कि ठीक है फिर मेरी कर दो, लाइक मेरी एंगेजमेंट कर दो, एंड उन्होंने वो बहुत सीरियसली लिया। सो दैट एस्केलेटेड क्विकली एंड कट टू हमारा डायरेक्टली फैमिली का मिलना 3 दिनों में डिसाइड हो गया, एंड विद इन 3 डेज लाइक मेरी फैमिली इसकी फैमिली मिल गई। मेरे फैमिली को तो पहले से ही पता था मैडम मोहतरमा आती है घर पे जाती है, और तब तक हमारे घर में तो एक्चुअली बहू का स्थान वगैरह सब कुछ मिल चुका था, तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ। द ओनली थिंग वॉज दिस वॉज क्वाइट अ शॉक कि ऐसे इसने रैंडमली रात को मुझे कॉल किया, मैं जिम से थक के आया था, तो उसने बोल दिया कि ऐसा ऐसा हुआ घर पे, मैंने ऐसा बोला और मेरी फट के चार हो गई। फिर सोचने लगा कि भाई अभी क्या करेंगे, अभी 2 दिन में बताना पड़ेगा वगैरह वगैरह, लेकिन इसके घर वालों ने बहुत ही तब तक मतलब बंदे का नाम भी था, मतलब आ रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था, छा रहा था, आर्टिकल्स आ रहे थे, तो मतलब पहचान देने की जरूरत नहीं थी, मतलब बताने की जरूरत नहीं थी, प्रणीत नाम तो सुना होगा, ऐसे करके मैं डायरेक्टली एंटर कर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी बहुत फटी थी। उस दिन सब डेट वेट सब डिसाइड हो गई, एंड आई थिंक 29th of December 2019 वी गॉट एंगेज्ड। तो यार नोबडी प्रपोज, यू नो इसे डिसाइड नहीं किया कि हाँ अभी इस साल शादी करेंगे या इस साल एंगेजमेंट करेंगे, इट जस्ट हैपेंड। हाँ बट वी हैड वन डेट इन आवर माइंड ऑफ वेडिंग, ऑफ द वेडिंग, या ऑफ द वेडिंग, दैट इज 12/12/2020। वी स्टार्टेड डेटिंग इन 12/12/2012, वेडिंग वाज सपोज टू बी 12/12/2020, और ये हमने 12/12 में डिसाइड किया था 2012 में, एंड अमावस्या आ गई उस दिन और शादी फिर 30th November को करनी पड़ी, बट 2020 वॉज करेक्ट, सो आई थिंक वी मैनिफेस्टेड इट राइट। तो या राइट, यप। सो लाइक मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्रियन फैमिलीज, डिड यू टू चेक पत्रिका एंड हाउ वॉज दैट? So 2-3 years back when we were dating only, Praneet's mother had asked for my patrika kundali, what we call, and so I was reluctant क्योंकि तभी कुछ ऐसे decided नहीं था, obviously we were dating and सब, but I was like कि पत्रिका क्यों देखनी अभी, because I somehow had that gut feeling कि नहीं something is not right। तो उन्होंने जाके दिखाई, and after that, after like I'm not liking the way it is getting I was like something won't match, and because she believes in it so much, so then she went, and उसके बाद 2-3 दिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, एंड देन आई वाज क्यूरियस एंड आई एम लाइक प्रणीत योर मदर इज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट लाइक शी टुक माय पत्रिका एंड ऑल ऑफ दैट, और तभी मैंने मेरे माँ से झूठ बोल के वो पत्रिका लेके उनको दी थी, बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनीथिंग टू टेल माय मदर। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं वो नहीं मैच हो रही है, जाने दो, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तुमने डिसाइड कर लिया है, वो कट हो गया उधर। इट केम टू 2019 व्हेन वी आर गोइंग टू गेट एंगेज, माय मदर लाइक चेक्ड इट ऑनलाइन, 36 गुण रहता है, 36 प्रणीत और मेरे 2.5 गुण मैच होते हैं, 2.5 गाइस, दिस इज अस, बेस्ट स्कोरर एंड बेस्ट स्कोरर सिंस चाइल्डहुड, जितने मार्क्स में एग्जाम में लाता था उतने ही मार्क्स मैंने कुंडली में लाए, एंड माय मदर वाज लाइक मीरा 2.5 आउट ऑफ 36 इज
they had nothing to say. And then she, like, I was like, yeah, it's okay. I don't believe in all this and all of that. And she then told my father, ki asa sa hai, like, kundali match nahi ho rahi hai. My father said, Mihira is not going to listen. So let's just not discuss it. And मतलब जो तब भी तक होगा, बात बहुत ही आगे बढ़ चुकी थी, मतलब almost शादी की बात भी हो गई थी, तो it was of no just point. To make sure सब कुछ ठीक है, इसलिए पत्रिका वगैरह देखना पड़ा, कुंडली देखना पड़ा. लेकिन जैसे ही दोनों पार्टीज ने कुंडलियां देख ली, उन्होंने गिव अप कर दिया कि हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते. एवरीथिंग सीम्स फाइन दो. एक दो पूजा करनी पड़ी हमें. वो करी, या शादी से पहले एक दो पूजा थी, जस्ट टू मैं बहुत मतलब मेरी शांति भी मंगल शांति थी, तो ओके. मंगल है, लाइक प्रणीत हैज मंगल वर्ड, आई डोंट नो, इट इज माइल्ड वन. हमारे गुण मैच नहीं होते. और फिर हम पूछते हैं कितने होते हैं, तो लाइक हाँ 14-15. हम बोलते हैं 2.5. सो 2.5 मैन. बट आई थिंक एवरीथिंग इज प्रीटी फाइन. आई मीन टच वुड. सो आई डोंट थिंक We personally do not believe in it. And also, यार कैसा है ना कि finally चलो, what matters most is कि आप सच में कितने प्यार में हो और कितना sacrifice आप कर सकते हो. अगर कुछ भी गलत हो जाता है या कुछ compromise कर सकते हो, तो basically how much does the relationship matter to you? Yeah, basically you are in too important. Much love, and you guys know that this is the soulmate, then it doesn't matter, it's just there. But yeah, yep. Like, so, if you really want to like make issue out of it, then to bhai kahan se kahan pahunch sakta hai. I mean, check karne mein koi problem nahi, but like we did not take it forward ahead. Kya reha itne auto humne wo kiya kyunki hame hamare ghar walon ko man shanti karne ke liye tha. Lekin agar kaun se bhi result aane wale the, hame pata tha ki hum kya karne wale. So like our families also knew ki hum sunne nahi wale, to या और उसका कॉन्फिडेंस भी हमें इसलिए था क्योंकि आई थिंक उस टाइम तक मैंने मेरे फैमिली का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखा था. एंड आई वॉज डूइंग वेल इन माई करियर. आई वॉज मेकिंग श्योर दैट आई एम फाइनेंशियली बैकिंग अप माई फैमिली. एंड आई ऑल्सो आई वॉज एबल टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ मीरा. नॉट लिटरली टेक केयर ऑफ इट, बट आई वॉज क्वाइट श्योर दैट कि जितना उसका लाइफ स्टाइल है उससे थोड़ा सा आगे वाला लाइफ स्टाइल भी मैं थोड़ा सा दे सकता हूँ. सो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट आर फ्यूचर. सो दैट्स वाई गॉट एंगेज्ड बंगलो. ऑल ऑफ दिस वाज नॉट देयर. नॉट दिस वाजंट देयर, बट हैपेंड इन 2020 व्हेन वी वर गोइंग टू गेट मैरिड. लाइक या बट लाइक द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग फैमिलीज रिस्पेक्ट व्हेन यू आर एक्चुअली व्हेन यू हैव एक्चुअली टेकन द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एंटायर फैमिली. लाइक यू तो तब तक मैं ऑलमोस्ट लाइक मेरे सब मतलब जितने भी माँ बाप के लोन है, ये वो है वो है, सब कुछ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था, एक्चुअली घर चला रहा था. तो इसलिए मेरा थोड़ा सा सुना जा सकता था उस टाइम पे. मेरा तो, नहीं था वैसे कुछ, लेकिन हाँ इसकी जिद है मतलब. माय पेरेंट्स नो मीरा डजंट लिसन. सो या और मैं बहुत वैसे टेक्निकली तो मेरे बाप ने तो मुझे मार दिया होता है ऐसे सब कुछ सुन के, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि उनको मैंने बहुत सारे चीजों से मतलब खुश कर दिया था. व्हाट रबिश, शट अप, नो इट्स नॉट ट्रू, लेट्स कट इट. आई एम जस्ट किडिंग गाइस, आई गिव्ड हिम द कार. शट अप. What all were the locations you shortlisted for the wedding? The wedding date was decided. We decided on a later. We got married after we got engaged after 1 year. Almost 1 year. Like. And we will not December. Actually prescribe it to anyone. That the suggest day you get. You mean, yeah. मतलब हाँ sorry. Suggest you guys to actually. No, please don't. Like अगर engagement है 3 महीने में निपटा लो. बिकॉज बहुत इसकी उनकी फैमिली आती है, फिर वो बीच में कहीं करते हैं बहुत मत कर. Shut up. Pretty shut up. But yeah, so cut to 2020, we were going to decide the location and COVID was there, very much there. So we decided कि लोग तो इतने बुला नहीं सकते हैं. We want to do like a show, like intimate wedding. Not intimate, but like close family and friends. तो we decided कि थोड़ा दूर करेंगे शादी. Like not exactly in Pune, क्योंकि we did not want to do it in a banquet or a hall or something like that. And Pranit had seen the venue because
Because I think because of my friends, I got to know about the venue, which is Dhepewada. Because it had like a Marathi feel, Marathi Wada hai to proper. And first, we had gone to Dhepewada. Then we got the coat and everything, and then our parents were like ki abhi aur do teen jagah dekhte hain, if hum ye karne wale hain to aur jagah dekhenge. To Mantra, there was one more Mantra resort, and you know, 2-3 more places that we saw. Yeah, but did not really, but the kind like of dream wedding that we actually thought imagine of doing was exactly like the theme was to actually go back into roots and Marathi wedding dikhna chahiye, bahut zyada aise traditional type hona chahiye. So first time I think only Pranit and my mother had gone to Dhepewada, only two just, of them just to check the venue actually. Main aur iski maa gaye the and we liked the location and venue, but just to make sure ki okay hum zyada loote nahi ja rahe, thoda do teen options dekhte hain, so isliye humne do char locations dekhi, lekin nahi acha somewhere मुझे ऐसा लगा कि द काइंड ऑफ थीम वी हैव फॉर द वेडिंग द लोकेशन इज क्वाइट सूटेबल. सो प्रणीत इंसिस्टेड ऑन द लोकेशन. आई एम गोइंग टू बी बिकॉज एवरीबडी एल्स वाज अ बिट डाइसी कि दूर है, फिर गाड़ी अरेंज करनी पड़ेंगी, लाइक स्टेइंग के लिए ऑल्सो द अरेंजमेंट वील हैव टू डू, तो इसलिए थोड़े डाइसी थे. लेकिन प्रणीत इंसिस्टेड नहीं कि अभी हम ढेपेवाड़ा में ही शादी करेंगे. इंसिस्टेड नहीं, जिद थी. एवरीबडी वाज लाइक ओके ठीक है अभी, लाइक लेट्स डू इट इन ढेपेवाड़ा. ढेपेवाड़ा हैज आई थिंक a capacity to 200. For 60 people to stay. 60 people stay, they can extend it to 80 people. So 80 people can stay in the Wada. Dhepewada is in Giriwan in Pune, and around Dhepewada there are multiple other bungalows which you can rent. So humne wo rent kiye the, and the other guests above 80 were staying in those like a bungalow around Dhepewada. So it's just like walking distance and the people give it on rent. So that is how the arrangements were made for the wedding. So yeah, Dhepewada was finalized like that. Right. ग्रैंडपा हॉर्नी होने के वजह से हमारा फाइट हो इतना ज़्यादा. फोटोज़ दैट वेंट लाइक वायरल आर बिकॉज़ एंड द वीडियो व्हिच इज़ सो ब्यूटीफुल एंड ऑन दैट डे, सो आई लुक कंप्लीटली दैट्स द काइंड ऑफ मी फॉर रबिश नॉट नॉनसेंस. आई डोंट वांट टू मेंशन दैट. बजट का भी सीन था उस टाइम पे, भी ऐसा नहीं था कि लाइक आई एम वे टू मच सेटल्ड. नहीं नहीं नहीं.